हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में हम बात करने वाले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या हैं। तो पहले डिफरेंसेस की तरफ चलते हैं। डिस्टेंस इज़ डिफाइंड एज द टोटल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट किसी पाथ को कवर करता है, उस पूरे पाथ को हम कहेंगे डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह पोजिशन चेंज करता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो ये कहती है कि सबसे छोटा डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है एक सिंगल डायरेक्शन में, तो उसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज़ स्केलर क्वांटिटी एज इट ओनली डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड नॉट द डायरेक्शन, यानी कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि वो खाली मैग्नीट्यूड पे ही डिपेंड करती है, उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड, डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वैक्टर क्वान्टिटी एज इट डिपेंड्स अपॉन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि वो दोनों पे डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड पे भी और डायरेक्शन पे भी। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड इवन जीरो, यानी कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता, हमेशा पॉजिटिव होगा। और डिस्प्लेसमेंट वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पे होगा तो नेगेटिव आएगा, और जीरो हो सकता है अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जाके वापस अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाए तो जीरो होगा। अब ये आप देख सकते हैं डायग्राम में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए है वो पाथ कवर करता है रैंडमली, तो ये बड़ा सा पाथ इसने कवर किया, इसे हम डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन अगर इसका डिस्प्लेसमेंट निकाले तो स्ट्रेट लाइन डायरेक्ट फाइनल पॉइंट तक जो जा रही है वही उसका डिस्प्लेसमेंट है। अब देखिए एक एग्ज़ाम्पल, जैसे कि ए ऑब्जेक्ट है, अगर ये डिस्टेंस कवर करता है, ये बड़ा सा पाथ इसने कवर किया 5 मीटर प्लस 5 मीटर, यानी कि इसका डिस्टेंस इन दोनों का टोटल हुआ यानी 10 मीटर। और वही डिस्प्लेसमेंट अगर आप फाइंड करते हैं तो स्ट्रेट लाइन सीधे पहुंच जाएगी फाइनल पॉइंट तक, और ये 7 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब सिमिलैरिटीज़ क्या है? डिफरेंसेस तो हमने देख लिए, लेकिन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होगी। तो SI यूनिट ऑफ बोथ इज़ मीटर, दोनों का जो SI यूनिट है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, तो वो मीटर है। बोथ हैव सेम डायमेंशन फार्मूला, जब SI यूनिट सेम है तो डायमेंशन फार्मूला भी सेम ही होगी। तो क्या है इसका डायमेंशन फार्मूला? M0, L1 और T0। बोथ रिक्वायर्स अ रेफरेंस पॉइंट, सेम रेफरेंस पॉइंट, यानी दोनों एक ही रेफरेंस पॉइंट, मतलब दोनों को एक स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है स्टार्टिंग के लिए। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल टू ईच अदर इफ़ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इन स्ट्रेट लाइन एंड इन अ सिंगल डायरेक्शन टू, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम हो सकती है अगर वो जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है ऑब्जेक्ट वो स्ट्रेट लाइन में हो और सिंगल डायरेक्शन में हो। लाइक दिस वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया हो, और सब्सक्राइब करें हमारे साइंस डिक्शनरी चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।